आज आ, मैं आपके सामने रखूंगा कि जो हमारी कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हमारे खैबर पख्तनखा के तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस वक्त एस ओ पीज़ के हवाले से जो एस ओ पीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा उस हवाले से कारवाइयाँ जो है उस पर शुरू है पेशावर कैपिटल्स में तमाम डिस्ट्रिक्ट में इस हवाले से जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कुल एक लाख छियासठ हज़ार तीन सौ सतासी कारवाइयाँ की गई है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एस ओ पीज़ पर अमल न करने पर इकतालीस हज़ार पाँच सौ तिरसठ यूनिट्स कारोबारों को वार्निंग जारी की गई है जबकि तीन हज़ार दो सौ उन्नीस यूनिट्स एस ओ पीज़ की ख़िलाफ़ वर्जी पर सील की गई हैं अब तक सतासी लाख अठहत्तर हज़ार नौ सौ अस्सी रुपये जुर्माने वसूल किए गए हैं एस ओ पीज़ की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जो कारोबारी हजरात इस मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ नहीं दे रहे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी हुकूमत खैबर आवाम के बेहतर मफाद में तमाम तर जो हमारे वसाइल है उसको हम बरो ला रहे हैं हमने बारहावाम से भी अपील की अपने आज भी मैं कर रहा हूँ कि हम जितनी सख्तियाँ करते पहले कर रहे थे फिर उसके बाद हमने नरमियाँ किए हम इस वक्त जो दो जंग है इस वक्त जो लड़े जा रहे हैं एक हमने अपनी मीशत को और साथ हमने अपने गरीब मुतवस तबका कारोबारी हजरात ट्रांसपोर्टर ट्रेडर जो भी हमारे लोग हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि ज़िंदगी रवा दवा हो और उसके साथ हम ये भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपनी आवाम को इस कोरोना वबा से तहफुज हमने फराहम करना है उसके लिए हम सख्तियाँ कर रहे हैं वजीर अम महमूद ख़ान साहब ने अभी तक जितने फैसले किए हैं उसका मेन मकसद अपनी आवाम की तहफ़ करना है और इस हवाले से एस ओ पीज़ के हवाले से अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे लिया भी है और आगे भी लेंगे वबा की स्प्रेड जिस वजूहत की वजह से हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि दुनिया भर में एक ही उसका उसूल है एक ही उसका इलाज है वो है एहतियात 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 हमने एहतियाती तदाबीर करके अपने फैमिलीज़, अपने पूरे इलाका अपने डिस्ट्रिक अपना सूबा और फिर अपना मुल्क हमने इस कोरोना वबा से अपनी आवाम को तहफ़ ये हम सब की जिम्मेदारी है जहाँ पर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर आवाम की कारोबारी हजरात की ट्रेडर्स या हमारे बाई ट्रांसपोर्टर्स सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एख्याती तदाबीर जो हुकूमत के वजा करदा है या जो हमारे डॉक्टर्स हजरात कह रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें इस हवाले से मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमारी हेल्थ कैपेसिटी है जो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स है जिसमें एल आर एच है जिसमें के एम यू है खैबर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो हमारा एच एम सी है इस तरीके से हमारा अयूब मेडिकल आ, आ, जो है टीचिंग हॉस्पिटल्स है इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो कैपेसिटी है वो हमने बढ़ाना शुरू किया था हमारे पास जितने बेड्स थे हमारे पास अलहमदल इस वक्त बेड्स की भी कमी नहीं है इस वक्त तो वहाँ पर जो मौजूदा सूरत है उसमें वेंटिलेटर भी हमारे पास मौजूद है अब ज़ाहिर है उसके लिए जो हमने मुख्त किए थे कोरोना वबा के मरीजों के लिए उसको हमने बढ़ाना शुरू कर दिया कल परसों से हम बढ़ा रहे उसको हम ज्यादा कर रहे इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुश्किल वक्त है इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जितने हमारे इस वक्त डॉक्टर्स है पैरामेडिक स्टाफ तिबी अमला है वॉर फूटिंग पे इस वक्त अपनी जानों की उन्होंने नजराने पेश किए अपनी आवाम के तहफ के लिए इसलिए हमें सबको चाहिए या हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी हेल्थ केयर सिस्टम पे इतना बोझ न डालें कि जहां पे आपने दुनिया में देखा स्पेन आपने इटली पूरी दुनिया को देखा जहां पे उनके हेल्थ केयर सिस्टम चौक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो जबरदस्त काम कर रहा है हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स स्टाफ तिबी अमला तो मैं सलूट पेश करता हूं कैसे मुश्किल वक्त में जबरदस्त किस्म का वो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे दिगर जितने भी डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट है रिलीफ डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पुलिस है हमारी रेस्क्यू वन वन टू टू, टू जितने भी लोग हैं इस वक्त सारे फ्रंट लाइन पे वजीर आला महमूद खान साहब के क्यादत में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस विजन के मुताबिक कि हमने एट अ टाइम दो जगहों पर एक तरफ हमने अपने इकॉनमी अपने गरीब और उनका ख्याल रखना है और दूसरी तरफ हमने उसी वक़्त इस वबा से अपनी आवाम का तहफ़ इंश्योर करना है और वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है आज मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल एन ई सी की बड़ी अहम मीटिंग हुई हो रही है अभी तक जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जेर सदारत उसमें हमारे वजीर अल महमूद खान साहब ने इस मौके पर चारों सूबे इंक्लूडिंग बिस्तान और वजी अजम कश्मीर के वजीर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में वजीर महमूद खान साहब ने एन एफ सी में जो थ्री परसेंट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मर्ज डिस्ट्रिक्ट फाटा के लिए एडमिट किए गए थे जब सरताज अजीज के कमेटी में यह फैसला हुआ था और जिस पे तमाम सियासी जुमातों ने एग्री किया था उसके लिए आज वजी अल महमूद खान साहब ने इस फोरम पे स... वजीर अजम साहब के सामने ये मुद्दा रखा कि चूंकि हमारे मर्ज डिस्ट्रे के बहत्तर साल के महरूमिया हैं इसलिए जो हमारे खैबर पखतुलख्वा का एनएफसी में हिस्सा था वो हम दे चुके हैं जो सुबह सिंध के वजीर अल को मुखातिब होकर और वजी अल बलोचिस्तान को और इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फिर इसमें आज खसूस तौर पर हमारे गवर्नर शाह फरमान साहब ने भी आज वीडियो लिंक पे इसमें वो किए इसमें वो आए उन्होंने भी ये जो स्पेशली जो एन एफ में थ्री परसेंट मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए है जिस पे तमाम सियासी क्यादत ने उस वक्त एग्री किया था उसकी डिमांड हम करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के बहत्तर साल के मेहरूमियों के लिए जिस बुनियाद पे यह मर्ज पिछली हुकूमत में हुआ था उसमें जो जो चीज़ें तय हुई थी जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एनएफसी में थ्री परसेंट थे जो तमाम सूबे में देने थे उसमें सिंध बलोचिस्तान ने अभी तक पंजाब ने उस पर एग्री किया था लेकिन सिंध और बलोचिस्तान ने अभी तक उस पर एग्री नहीं किया तो इसलिए मैं आज ये बात चूकी आज इस हवाले से ये आ, नेशनल इकनॉमिक कौंसिल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी जो तजवीज़ जो हमारी बात थी उसकी तइद की और उन्होंने मरजिश के महरूमियों के हवाले से कहा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत को मुखातिब होकर यह कहा गया इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हमारा ये सिर्फ खैबर पख्तनख्वा का मसला नहीं है ये जो एक्सफ़ाटा था उसमें जिस तरह के हालात गुजरे और जिस तरीके के, के हालात उसमें जो उनके महरूमियां हैं बहत्तर साल के पूरे पाकिस्तान के साथ खैबर पखतुलख्वा के साथ वो मर्ज हुआ है लेकिन यह पूरे पाकिस्तान का मसला ता मसला है इसलिए आज जो चीफ मिनिस्टर खैबर पखतुलखा महमूद खान साहब और गवर्नर खैबर पखतुलख्वा शाह फरमान साहब और फिर इस तरीके से वजीरम इमरान खान साहब ने आज हमारी बात की तायद की है कि फौरी तौर पर इस हवाले से वो किया जाए का इस इसके ये जो थ्री परसेंट है वो दिए जाए ताकि उसके लिए जो मैकेनिज़्म था मर्ज डिस्ट्रिक्ट का वो हमने खैबर पख्तनख्वा हुकूमत ने वॉर फुटिंग के चुके उन उधर कैपेसिटी नहीं थी उसको हमने इन्हास किया उसको हमने आज बढ़ा दिया अब जितने पैसे वहां पे जो एन के हमारे आएंगे उससे डबल भी अगर आ जाए उसके लिए हमने कैपेसिटी बना दी अब हमने वॉर फुटिंग पे जाकर वहां पे काम करना है और जो वादे किए गए पिछली हुकूमत में और इन तमाम सियासी जमातों ने जब मर्ज की वक्त बात की थी जिसमें पीपल्स पार्टी जिसमें मुस्लिम लीग नून और दूसरी सारी सियासी जुमातों ने यह कंसेंसस से पास किया था उस वक्त हमारी फेडरल में हुकूमत नहीं थी खैबर पख्तनख्वा में हुकूमत थी यहां से हमने उस पर उस वक्त जो है कंसेंस से यह फैसला हुआ इसलिए जो वादे किए गए उसको पूरे किया जाए मैं इस मौके पर अगेन वही बात करूंगा कि इंशाला कोरोना वबा के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक हमारे वजीर अला महमूद खान साहब खुद फ्रंट लाइन पर है तमाम सरकारी मशीनरी तमाम सूबाई महाकमे इस वक्त हम जो है इस वबा के से अपनी आवाम की जानों की तहफ हमारी अवलिन तरजीह और साथ ये कि कैपेसिटी के हवाले से हम दिन रात एक करके जिसमें हमारे साथ एन डी ए में फेडरल हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल जो है हेल्प कर रही है और खैबर पखतुनख्वा के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं सराउंडिंग पेशावर के सराउंडिंग में हॉस्पिटल्स चार सदा में और इस तरीके से और हॉस्पिटल्स हमने बेड्स वहाँ पे जरूरी ऑक्सीजन और वो चीज़ें और फिर जो वहाँ का अमला है तिबी अमला उसको भी साथ साथ ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं तो इन शो पेट्रोलियम का एक जो इस वक्त मसला चल रहा है उसकी किल्लत यहां पर जो खैबर पख्तनख्वा में जितने हमारे पेट्रोल पंप से उसके हवाले से जहां पर हमें पता चला वहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की लेकिन जहां से तरसील का मसला है कंपनियों की तरफ से वो प्राय चीफ मिनिस्टर साहब ने वजीरजम के सामने भी रखा है उसको हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ और कल उस पर वजीर आजम साहब ने खुद कैबिनेट में आल रेडी सब पे पेट्रोलियम की जो किल्लत है उस पर एक्शन भी लिया है तो हम उम्मीद करते हैं और इन के तला जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा शुक्रिया